नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कूलिंग फिन्स के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट हीट एंड मास ट्रांसफर, जिसको हम HMT के नाम से जानते हैं। कूलिंग फिन्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कूलिंग फिन्स उपयोग करने के क्या फायदे हैं और कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कूलिंग फिन्स। तो सबसे पहले कूलिंग फिन्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, कूलिंग फिन्स का मतलब होता है जो हमारे हीट ट्रांसफर सरफेस होते हैं या जो हीट ट्रांसफर बॉडी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जहाँ पे कूलिंग फिन्स को बनाया जाता है। कूलिंग फिन्स के बनाने से क्या होता है, इसके बनाने से जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मींस कूलिंग फिन्स आर द एक्सटेंडेड सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मींस जो कूलिंग फिन्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी डिवाइस का एक्सटेंडेड सरफेस एरिया होता है, क्षेत्र होता है, विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट, जो ऊष्मा को, हीट को अपने से दूर करता है। क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपने से दूर, जिससे हीट ट्रांसफर हो और वो बॉडी ज्यादा हीट ना हो पाए। ठीक, द कूलिंग फिन्स मोस्टली वी ऑब्जर्व ऑन इंजन सिलेंडर, ट्रांसफार्मर, रेडिएटर्स, इंडक्शन मोटर्स, इन जगहों पे हम अक्सर कूलिंग फिन्स के लिए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमें अक्सर यही देखने मिलती है। आपने जो मोटर देखी होगी, चाहे आटा चक्की वाली मोटर हो, चाहे सिंचाई वाली मोटर हो, पंप जिसको हम बोलते हैं, या आपकी जो इंडक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर है, रेडिएटर्स है कार्स के या व्हीकल्स के, इन सब जगहों पे कूलिंग फिन्स का उपयोग किया जाता है। HMT के अंदर अक्सर हम कूलिंग फिन्स के बारे में जान पढ़ते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है, थ्योरेटिकल भी आता है। तो मीन्स जो कूलिंग फिन्स हैं, इनका हीट ट्रांसफर में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसमें कितने प्रकार की होती हैं, अब इसके बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार की होती हैं। कुछ फिन्स के डायग्राम मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे स्ट्रेट फिन है, पिन फिन है, रेडियल फिन है, एनुलर फिन है। तो ये जो फिन्स के प्रकार हैं, फिन मेनली चार टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेट फिन, पिन फिन्स, रेडियल फिन एंड एनुलर फिन। स्ट्रेट फिन का मतलब होता है, जो स्ट्रेट फिन है, इस प्रकार की फिन्स सामान्य तौर पे अरेंज्ड नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इन पैरेलल डायरेक्शन। ये जो स्ट्रेट फिन्स होती हैं, ये सामान्य तौर पे किसी भी बॉडी के सरफेस पे पैरेलल डायरेक्शन में क्या होती हैं, अरेंज होती हैं, वन बाय वन इस तरह से ये बनाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट फिन्स। सेकेंड है पिन फिन। इस प्रकार की पिन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होता है, परंतु इस केस में जो सरफेस एरिया ये एक्सपोज होता है किसके लिए, कन्वेक्शन के लिए अधिक से अधिक। जैसे कि डायग्राम में पिन फिन है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है, तो मींस दिस टाइप्स फिन्स हैव अ लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया, बट इन दिस केस द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द कन्वेक्शन इज मोर, कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक, रेडियल फिन। रेडियल फिन्स आर फिटेड ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो रेडियल फिन्स होती हैं ये फिटेड कहाँ पे बनी होती हैं, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर। और दीज आर मेड, ये दो प्रकार की होती हैं, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल होता है एंड ट्रोपेजोइडल प्रोफाइल्स होती है, दो प्रकार की इसकी प्रोफाइल्स होती है। फोर्थ है दोस्तों एनुलर फिन। दिस टाइप फिन्स ऑफ एनुलर से फिक्स्ड ऑन द पेरीफ्री ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी, ये भी हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी के पेरीफ्री पे माउंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एनुलर फिन। तो दीज फोर टाइप्स ऑफ फिन्स यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफर ऑन ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक, अब इसकी एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशंस हैं या एडवांटेजेस हैं। तो जैसे इंक्रीज इन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मीन्स यदि हम
एक्सटेंड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को, तो इससे क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर की दर है वो बढ़ जाती है, हीट ट्रांसफर का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। इजी एंड चीप वे फॉर कूलिंग ऑफ इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करने का ये आसान और सस्ता तरीका होता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट बाय यूजिंग डिफरेंट कूलिंग मीडियम्स, यह आवश्यक नहीं है कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए हम डिफरेंट कूलिंग मीडियम्स का उपयोग करें। ठीक, अब इसकी एप्लीकेशंस में, जैसे कि एप्लीकेशन है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें सम एप्लीकेशन भी रिप्रेजेंट फॉर यू। कंप्रेसर पे भी कूलिंग फिन्स होती हैं, आपने बाइक्स देखी हुई है, मोटरसाइकिल देखी है, मोटरसाइकिल का जो फ्यूल टैंक के नीचे इंजन सिलेंडर होता है, सिलेंडर पे क्या होता है, कूलिंग फिन्स बनी होती है, एक्सटेंडेड सरफेस होता है, घारी टाइप की होती है, ये क्या है, रेडियल डायरेक्शन में होती है, और एक किसके लिए, जिससे इंजन ठंडा हो, क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन होता है। ठीक, ऑन इलेक्ट्रिक मोटर, जो आप इंडक्शन मोटर्स देखते हो, इलेक्ट्रिक मोटर्स देखते हो, पंप्स देखते हो, जिस मोटर से पंप को हम ऑपरेट करते हैं, तो ये मोटर्स की जो बॉडी है, पेरिफेरी है, इस पे कूलिंग फिन्स बनाई जाती हैं, क्योंकि मोटर्स डायरेक्टली कूल्ड बाय सराउंडिंग एयर। ठीक, तो इससे हीट ट्रांसफर रेट जल्दी, मोटर ठंडी होती है। बाइक इंजन सिलेंडर, ऑन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स, आप देखते हैं किसी भी, जहां भी ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, डीपी रखी हुई है, वहां पे उसके जो सरफेस होता है उस पे क्या होता है, कूलिंग फिन्स बनी होती हैं, तो कूलिंग फिन्स। इसके बाद रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल का रेडिएटर होता है, यहां पे भी क्या होती है, कूलिंग फिन्स होती हैं। तो ये तो एप्लीकेशंस हैं, हीट एक्सचेंजर की बॉडी पे भी बना सकते हैं, कई जगह पे हम कूलिंग फिन्स का उपयोग कर सकते हैं, किस पर्पज के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए, जिससे हीट अधिक से अधिक ट्रांसफर हो और इसको, उस ऑब्जेक्ट या डिवाइस को ठंडा रख सके। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कूलिंग फिन्स। ओके दोस्तों, अब दोस्तों वीडियो पसंद तो जरूर आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।